मालतीज किचन को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा ही नहीं बल्कि विश्वास है आप लोग अच्छे होंगे। मालतीज किचन में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं शक्कर पारे। तो शक्कर पारे में क्या क्या सामग्री की ज़रूरत पड़ती है तो चलो देखते हैं। 500 ग्राम हमने मैदा लिया है, 200 ग्राम हमने शक्कर ली है, एक कटोरी हमने नारियल पाउडर लिया है, ये घी है इसको हल्का गर्म कर लिया है, और ये अदरक पेस्ट है, ये जीरा है। पहले हम डो तैयार करेंगे। अब इसमें हम मैदा डालेंगे। घी का मावन लगाएंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे इसको। अब इसमें डालेंगे शक्कर। शक्कर डाल रहे हैं हम। नारियल पाउडर, जीरा, अदरक का पेस्ट डाल रहे हैं। अब इसको पानी डाल के गूंदेंगे। थोड़ा पहले डालेंगे पानी। हमारा डो बन के रेडी हो गया है। अब इसको 10 मिनट के लिए रख देते हैं। अब 10 मिनट हो गए हैं। अब हमारा मैदा फूल के सॉफ्ट हो गया है। अब बनाएंगे शक्कर पारे। इतना इतना हम लोया लेंगे। देखो इतना मोटा है। अब इसको काट लेंगे। हमारे शक्कर पारा तलने के लिए रेडी हैं। अब इसको तेल में तल लेते हैं। इसमें अभी कढ़ाई रखेंगे। तेल हमने पहले से डाल के रखा था। अभी हमारा तेल गर्म हो गया है। अब इसी में डालेंगे शक्कर पारे। Thank you.
हमारे शक्करपारे तेल में तल के रेडी हैं। तो हमारे शक्करपारा बन के रेडी हैं। ये बहुत खस्ता और बिस्किट की तरह मुलायम है। इसे कोई भी त्योहारों में बना सकते हैं। अभी दिवाली आ रही है, दिवाली में बनाइए। कोई घर में मेहमान आ जाए तभी बनाइए। हमारे सभी बच्चों को बहुत पसंद आएगा। तो हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी? यदि हमारी रेसिपी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके हमें बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।